कोई लाइट्स वगैरह बेटा ऑन कर लिया करो। सो वी वर डूइंग द एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन हैलाइड्स और हाइड्रोजन हैलाइड्स टू द एल्कीन्स। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम हैलोजन एसिड्स भी बोलते हैं। ओके, व्हेन वी आर हैविंग सिमेट्रिकल एल्कीन उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? This is the example of any unsymmetrical alkene, जिसमें हम क्या add कर रहे हैं, we are adding HBr. So what will happen? The H will move to the one carbon and the Br it will move to the another carbon. ठीक है, symmetrical है, दोनों जो हैं वो carbon carbon जो double bonded carbon है उनके आसपास लग चुके हैं. Okay. So here CH3 and the CH2 Br will be. Okay, but the problem is there with the case of unsymmetrical alkenes. So if we have this type of alkene, in this case what we will do, then we will decide according to which rule, Markovnikov rule. Kya kehta hai beta? If you are having any unsymmetrical alkene and you have to add the hydrogen halide into it, right? The negative part of the addendum. What do you mean by addendum? Very good. The negative part of the addendum, addendum means negative species. ठीक है, तो यहाँ पर किस species ने add होना है? HBr ने add होना है. Okay? तो ये HBr में से जो Br है, that is the negative part. तो Br जो है वो किस तरफ जाएगा? To the carbon atom which is having less number of hydrogen. ठीक है, तो ये जो Br, अब इस वाले डबल बॉन्ड को हमने देखना है बस, that's it. हमने दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है और किसी को नहीं देखना. ओके, इसमें हमारी एडिशन होनी है, तो ये दोनों हमारे फोकस पॉइंट वाले हैं. ओके, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है. ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, राइट? सो लेट्स ऐड द नेगेटिव पार्ट टू दिस एंड द पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड, यही होगा. ओके, इज दैट क्लियर? चलो, सो दिस इज मार्कोनिकोव. सॉरी, नाउ लेट्स डू इट्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल. Mechanism of Markovnikov's rule. इसमें आप HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो. ठीक है, एनी हाइड्रोजन हैलाइड यू कैन टेक. इज दैट क्लियर? हाँ जी, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म? हाँ जी, HBr वाले में से जो Br के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. Here the it will acquire partial negative charge and it will acquire partial positive charge. अब इसके बाद क्या करें? हाँ जी, what will be the next step?
डबल बॉन्ड ने क्या करना है अब, ऐसे सिंगल बॉन्ड में पहले चेंज हो जाएगा। अच्छा किसके इलेक्ट्रॉन्स, चलो देखते हैं। अब यहां पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज चलेंगी। मार्कोनी का रूल में हमने एक पॉसिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया है, एक पॉसिबिलिटी को रखा है। पहले हम दोनों पॉसिबिलिटीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म में यही होता है कि हमने स्टडी करनी है उनकी। सपोज आई शिफ्ट दिस डबल बॉन्ड हियर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दिस केस इफ आई शिफ्ट द डबल बॉन्ड हियर ऑन दिस साइड, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो बाद में कंसिडर करते हैं। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, उसका भी पॉजिटिव लिख देते हैं तो साथ में, ओके। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस 12। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म, एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। इधर ये वाला हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इधर ये वाला हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये CH3 बन जाएगा, दिस विल बिकम CH3। क्लियर है यहां तक? वी हैव कवर्ड बोथ द केसेस। अब इसमें से देखेंगे स्टेबल केसेस कौन से हैं। अब हमने फर्स्ट प्रेफर करना है कि हमने सेकंड प्रेफर करना है, बट वी विल बी प्रेफरिंग विच केस वी विल बी प्रेफरिंग वेरी स्मार्ट आंसर। वो तो आपको पता है ना, आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड थिंग बताई हुई है मैंने, इसके बेसिस पे बताओ फर्स्ट स्टेबल है कि सेकंड स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन, कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रही है? मुझे तो दिख ही नहीं कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा उसने कार्बोकेटायन कुछ बोला है, दिख रहा है आपको कार्बोकेटायन कहीं पे? आपको कार्बोकेटायन दिख रहा है कहीं पे के नहीं दिख रहा है? अब फर्स्ट वाला स्टेबल है कि सेकंड वाला स्टेबल है? क्यों फर्स्ट वाला स्टेबल है? कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उधर कार्बोकेटायन इज प्राइमरी। विच कार्बोकेटायन इज स्टेबल? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है, तो इस वजह से जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके क्लियर है? तो हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे फिर? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही प्रेफर करेंगे, यानी कि ये सारी पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो जाती हैं। हो गई ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, दे आर रूल्ड आउट नाउ। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में क्या बना है? कार्बोकेटायन दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो आपने ये सारी चीजें मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट में मेंशन कर देनी है। लिख लोगे मैकेनिज्म के नहीं? लिख लोगे ना जो जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने एल्कीन ली, वहां पर HBr का Br ट्रांसफर हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने वो नहीं शो करना, आपने बस एक स्टेप शो करना है, ये वाला जो मैंने बनाया। मैकेनिज्म में सिर्फ एक स्टेप आएगा, मैंने आपको बताने के लिए दो स्टेप किए हैं कि हमने ये वाला ही क्यों प्रेफर किया, अदरवाइज आपने मैकेनिज्म में यही स्टेप लिखना है। इसके बाद आपने डायरेक्टली ये स्टेप बनाना है फर्स्ट स्टेप, ओके? इसके बाद डायरेक्टली आपने मैकेनिज्म में यही स्टेप बनाना है,
ठीक है, बिकॉज इट इज शोइंग द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. उसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन मैंने आपको दिखाया है क्योंकि वो अनस्टेबल था इसलिए हमने नहीं प्रेफर किया. ठीक है, बुक में नहीं शो किया हुआ उन्होंने. ओके, नहीं डायरेक्टली उसके बाद ये वाला स्टेप कर देना. हाँ जी, व्हाट विल बी देयर इन द सेकेंड स्टेप? नाउ हेयर द बी आर विल बी रिलीज्ड, बी आर नेगेटिव ये भी साथ में आ जाएगा. ओके, व्हाट विल बी द देयर इन द सेकेंड स्टेप? एंड दिस इज अ स्लो स्टेप. सॉरी, the rate of the reaction is dependent on this step. And you do the second step better. Second step mein BR ka attack show karo uske upar. And mark it as the faster. And product formation karo. Product likha ho hai, reactants likhe ho hai. Arrow lagao, fast step likho uske upar. हाँ जी, बी आर से आपने कार्बन क्लिक, एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स एफिशिएंसी. क्लियर हो गया बेटा? इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? हो गया, नेक्स्ट करें. पहले एक लाइन लिखो. द एडिशन ऑफ एच बी आर ओनली, सिर्फ एच बी आर की बात करेंगे और किसी की नहीं बात करेंगे. ठीक है, एडिशन ऑफ एच बी आर ओनली टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, to unsymmetrical alkenes can be done in the presence of some peroxides, like benzoyl peroxide. See the formula of benzoyl peroxide. This is the formula of benzoyl peroxide. This effect is also known as peroxide effect. This effect is also known as peroxide effect. And Karash effect. ठीक है जी, this effect is also known as peroxide effect and Karash. अब ये effect क्या कहता है? Whenever you are going to add any hydrogen halide and that is particularly for HBr, कोई HCl नहीं लेना है, कोई HI नहीं लेना है, सिर्फ HBr लेना है peroxide effect के लिए. तो अगर आपने पेपर में गलती से भी HCl लिख दिया तो वहीं पर रिएक्शन क्रॉस हो जाती है क्योंकि इफेक्ट जो है वो सिर्फ कौन शो करेगा? H. ठीक है, अब आपने कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है और उसमें ये HBr ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. एग्जांपल दी है मैंने आपको बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड तो जो आपका मार्कोनिकोफ रूल है वो रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, जो आपका मार्कोनिकोफ रूल है वो रिवर्स हो जाएगा
दैट मीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग स्पीशीज विल गो टू दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सेम वही पुरानी वाली रिएक्शन लिखो, उसमें लिखो एच बी आर और एरो पे लिखो इतना बड़ा बेंजोइल पेरोक्साइड. कर दो बंद. हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट डाउन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो पीछे लिखवाई है, उसमें एच बी आर एड करो ऑन द एरो, राइट डाउन बेंजोइल पेरोक्साइड और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी कह सकते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट कुछ भी आ सकता है क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा है तो एंटी कर दिया हमने. ओके, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. सो एनीथिंग यू कैन इंक्लूड, करो और आंसर बताओ मुझे. विच एग्जाम्पल यू आर टेकिंग? प्रोपेन की ही एग्जाम्पल ले रहे हो? चलो लो, फाइनल प्रोडक्ट का आंसर बता दो. बेंजोइल पेरोक्साइड आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, सीधा बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दो, एरो के नीचे फॉर्मूला लिख दो पूरा, पता तो होना चाहिए क्या होता है बेंजोइल पेरोक्साइड. हाँ जी सहज, क्या आंसर आया? करो बेटा. अब इसका मैकेनिज्म भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल. पहले आपने कार्बोकैटायन बनाए, अब इसमें हम फ्री रेडिकल फॉलो करेंगे. एंड दीज टू इफेक्ट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. तो ये आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे अपने, तो भूलने नहीं है. हाँ जी डन बेटा, हो गया. रमन, बस पहले नेगेटिव पार्ट को उसकी तरफ लगाते थे, अब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के साथ लगा, दूसरे वाले के साथ लगा देना, सी एच टू के साथ. वन ब्रोमो, वेरी गुड, वन ब्रोमो प्रोपेन. देखो बेटा यही था आपका प्रोपीन. प्रोपीन में हमने डाला है बेंजोइल पेरोक्साइड. In the presence of HBr, okay. तो पहले हम जो negative part था वो यहाँ पे attach करते थे, अभी hydrogen यहाँ पे attach करेंगे, तो it will be H2 and this is CH2. That is one bromo propane. Is that clear? Okay. Now write down the mechanism. Peroxide effect or एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये इफेक्ट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? हाँ जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मार्कोनिक ऑफ रूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? कार्बोकैटायन. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेप. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप बताओगे अब मुझे. बेटा जब वो पॉजिटिव नेगेटिव लेके ही नहीं जाएगा तो रिएक्शन में शो क्यों करेंगे? वो तो फॉलो ही दूसरा मैकेनिज्म कर रहा है. वो आपने कुछ भी नहीं शो करना है. अब पहले आपका कार्बोकैटायन था तो इसीलिए आप एरोस बना रहे थे, अब वो फ्री रेडिकल में जा रहा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना. रिएक्शन लिखने के बाद डायरेक्टली अब आपको मैकेनिज्म ही करना है. ठीक है, कभी भी रिएक्शन में एरोस नहीं शो करते हैं. ओके, कभी भी रिएक्शन में एरोस नहीं शो करते हैं. रिएक्शन हो गया उसके बाद जो मैकेनिज्म होता है ना, उसमें हम सारे चेंजेस बताते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे हुई होगी, तो उसमें हम सारी चीजें कर करके दिखाते हैं. ओके,
अब हमने सिंपली पहले रिएक्शन लिख ली, हमें पता चल गया उसमें क्या बन रहा है, ठीक है। अब वो कैसे बन रहा है अब हम यहाँ से देखेंगे, ओके। सो राइट डाउन, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का? चेन, चेन इनिशिएट करनी है हमने। कौन इनिशिएट करेगा? हु इज गोइंग टू इनिशिएट द चेन? Who is going to initiate the chain? No. No. बचा कौन? एल्कीन, उसके साथ आपने एच बी आर डाला और क्या डाला उसमें? बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड is going to initiate the chain. So write down, this is the chain initiation step. इसको लिख लेना. ठीक है जी. अब इसकी हमने कर देनी है होमोलिसिस. होमोलिसिस, what is होमोलिसिस? सेंटर से क्लीवेज करनी है ताकि दोनों को इक्वली इक्वली क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। जब आप इसकी क्लीवेज करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यू विल बी गेटिंग टू फ्री रेडिकल्स, ऐसे ही बनेगा? हाँ जी, ऐसे ही बनेगा ना कुछ. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? तो मेन वैसे हमारे दो स्टेप्स ही होते हैं. टर्मिनेशन वाले में तुम्हें पता ही है कि फ्री रेडिकल्स कंबाइन करने हैं, बट मेन हमारा इनिशिएशन, चेन स्टार्ट किसने की और चेन प्रोपेगेट किसने की, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ द C6H5C डबल बॉन्ड ऑफ फ्री रेडिकल, इट विल कंबाइन विद HBr फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी हमने क्या कर देनी है? होमोलिसिस कर देनी है, होमोलिटिक फिशन हो जाएगी. किया हमने होमोलिटिक फिशन, दैट इज होमोलिसिस. दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा. जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन, एक, हाँ जी, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और हम होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं उसकी, ठीक है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिफरेंट वे से प्रोसीड होते हैं. जो आप बात कर रहे हो वो नॉर्मल रिएक्शंस में जैसे होता है, ये अलग रिएक्शन है जहां पर हम फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे. अब उसकी टेंडेंसी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने की है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का नाम ही हमने चेंज कर दिया. अगर वो एच बी आर ले जाता तो फिर क्या, कौन सा मैकेनिज्म जाना था? कार्बोकैटायन वाला फिनोमिना नहीं हो जाना था यहाँ पे? तो जब हम कोई रास्ता ही और ले रहे हैं तो फिर हम पुराने वाले रास्ते पे क्यों जाए? अगर हम दोबारा उस रास्ते पे चले जाएंगे तो फिर से कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने का फायदा ही क्या है, ठीक है ना. फ्री रेडिकल में तो यही है ना कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी वे से जनरेट होंगे, ठीक है. चलो देखो बेटा, अब इसमें से हमने क्या करना है, एक ये फ्री रेडिकल है, एक ये फ्री रेडिकल है, ओके. तो वी विल बी कंबाइनिंग C6H5C डबल बॉन्ड O, एक ये बॉन्ड है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, दे विल लीड टू अ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. एक ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड नहीं बन जाएगा, बन गया
साथ में क्या निकलेगा, वी आर फ्री रेडिकल निकलेगा, क्योंकि बी आर फ्री रेडिकल ने पहले अटैक करना है। पहले बी आर फ्री रेडिकल नहीं अब अटैक करेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज आएगा। अब कहां तक हो गया? नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, प्रोपीन प्लस बी आर फ्री रेडिकल। अब चेन प्रोपेगेशन का सेकेंड स्टेप करते हैं। ये नहीं लिखना है, प्रोपीन लिखना। अगेन हेयर आई एम हैविंग टू वेज, तो मैं आपको वो दोनों तरीके बताऊंगी, ठीक है, बट कौन सा हमने सेलेक्ट करना है हम ये देखेंगे। If I break this bond, one electron will go to this and one electron will go to this. ठीक है, ऐसे ही होगा। दोनों possibilities हैं PR के पास, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है bond formation के लिए। दोनों possibilities बनाते हैं पहले। अगर वो इसके साथ combine कर गया, this is the case, यही case बनेगा। अगर ये इसके साथ कंबाइन कर गया तो दिस इज द केस। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर की हमने। अब अगेन यू हैव टू टेल मी विच इज द स्टेबल वन। हाँ जी बेटा, विच इज द स्टेबल वन? फर्स्ट फर्स्ट वाई सेकंड रिएक्टिव स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है फ्री रेडिकल्स का? वन ज्यादा स्टेबल है, तो अच्छा है ना, सेंटर में रहता है। अब आगे प्लस टू में एक मैकेनिज्म स्टडी करोगे, उसमें टू जो है बड़े आराम से बैठा रहता है। वो मैकेनिज्म जो है वो फर्स्ट और थर्ड के लिए ही है। टू जो है वो इन बिटवीन है, मिडल में है। वो क्या देते हैं, ये मिडल में है तो ये ऐसे ही है। बहुत अच्छा है मिडल वाला। ठीक है जी, तो विच स्टेबिलिटी इज टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी? नमन को अभी याद आया क्लास का। हाँ जी, तो डेट मीन्स वी विल बी प्रेफरिंग द सेकेंड वन। ठीक है, अभी भी हमारी चेन प्रोपेगेट ही हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी चेन। तो प्रोपेगेशन में ही हम थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे। Now again here the HBr will break down homolytically, homolytic cleavage होगी। ठीक है, clear? ठीक है जी, अब क्या होगा, कौन सा रेडिकल रह गया या कौन सा एटम रह गया अटैच होने वाला? हाइड्रोजन रह गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एक फ्री रेडिकल है और जो इसका फ्री रेडिकल है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस वाले फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगा।
एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2 Br प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल. नेक्स्ट स्टेप में चेन को खत्म कर दो. Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल या परऑक्साइड फ्री रेडिकल प्लस परऑक्साइड फ्री रेडिकल, चेन खत्म हो जाएगी. प्रोडक्ट बन गया आपका ये वाला. ठीक है, टर्मिनेट करना जरूरी है. ऑक्साइड को और ब्रोमीन फ्री रेडिकल.